अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निदा मंजूर और आप देख रहे हैं निदा मंजूर व्लॉग्स। तो आज की वीडियो है जी शादी के ऊपर। शादी में गए थे तो शादी पे व्लॉग्स बना लिया। तो शादी का नाम आते के साथ ही हमारे दिमाग में आता है कि भाई क्या पहना जाए। तो मैंने अपने लिए कपड़े आते हैं सबसे पहले। तो कुछ लोगों के दिमाग में खाना भी आता है, लेकिन खैर मेरे दिमाग में कपड़े आते हैं। तो मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस जो है वो सिलेक्ट किया था। शादी कोई हमारे ख़ानदान में नहीं थी, फ्रेंड्स के थी शादी, तो इसलिए कपड़े हमने सिंपल से ही मैंने डिसाइड किए थे कि मैं सिंपल सा ही ड्रेस पहनूंगी। ये क्रीम कलर का ड्रेस है जो नेट के ऊपर बना हुआ है। कहाँ से लिया इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। बहुत ही कोई रिजनेबल कपड़े मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, और बहुत ही कोई ट्रस्टेबल लेडी हैं जिनसे मैं तकरीबन कोई 2 से 3 साल से जो है कपड़े ले रही हूँ। अपने पूरे ख़ानदान के, इवन के भाई की शादी के कपड़े भी मैंने वहीं से लिए अपनी भाभी के लिए। ठीक है, तो ये नेट के ऊपर बना हुआ पूरा ड्रेस है। इसके ऊपर इस तरह से वर्क हुआ हुआ है, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। देन पर्ल्स जो है वो पंच हुए हुए निकलेंगे नहीं। स्लीव्स के ऊपर भी काम हुआ हुआ है, जरी वर्क है। इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क है, पर्ल्स जो है वो पंच है, कभी नहीं निकलेंगे। और ऊपर इसके स्लीव्स के ऊपर भी इस तरीके से पूरा काम हुआ हुआ है। इनर इसका क्रीम कलर का है। मॉडल पिक्चर इसकी मैं स्टार्टिंग में अभी लगा दूँगी या एंड में लगा दूँगी। ठीक है, और इस तरीके से ये कम्प्लीट 3 पीस आया था मेरे पास बग़ैर इसके इनर के, और बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ये लॉन्ग शर्ट इसकी बनाई थी, स्टिच मैंने इसको खुद किया है, डिज़ाइनिंग मेरी अपनी है। जितने भी ड्रेसेस है, सिल्क का इसके साथ ट्राउज़र था, ग्रीन कलर में मैंने कंट्रास्ट किया था। वैसे क्रीम कलर का ट्राउज़र था, मैंने नहीं लगाया। और इसका दुपट्टा जो है वो भी बहुत हसीन था, और ये रेडी टू वेयर दुपट्टा था जो मेरे पास आया। मैंने उसके ऊपर कोई मेहनत वगैरह नहीं की, बहुत ही कोई हसीन ड्रेस है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। और आप लोग ज़रूर इनसे बाय कीजिएगा, जिनके मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये ड्रेस है। लॉन्ग शर्ट शलवार के साथ दुपट्टा था, दुपट्टे के ऊपर पूरे टसल जो हैं वो लटक रहे थे, और दोनों तरफ के जो बॉर्डर्स हैं मेरे दुपट्टे के बहुत ही हेवी थे। नेट के ऊपर जरीवर थ्रेड वर्क और उसके साथ सीक्वेंस वर्क था, और बहुत कटवर्क स्टाइल में, कटान कटान में था। मैं आगे दिखाती हूँ इस तरीके से। मैं चाहती तो इसको कटवर्क भी बना सकती थी, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ ही लिया। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरा ड्रेस। तो दुआ ने क्या पहना था, दुआ जो कि मेरी छोटी बेटी है उसने ये वाली मैक्सी पहनी थी। ये मैंने खुद स्टिच की थी, ये भी मैंने उन्हीं से ली थी। शिफोन स्टफ के ऊपर है ये, जरी वर्क सीक्वेंस वर्क पैचेस के साथ आई थी, और इसके साथ है ये कटवर्क स्टाइल में दुपट्टा, नेट के ऊपर है, दोनों साइड इसके कटवर्क है, और टाई एंड डाई स्टाइल का कुछ इसका है टेक्सचर, 2 शेड में आ रहा है। ये बॉटम पे भी इसके पूरा वर्क हुआ हुआ था, और ऊपर ये पूरी सीक्वेंस की जो है लाइंस आ रही हैं आड़ी आड़ी से। ये बहुत हसीन ड्रेस है पहनने पे, मैक्सी है ये, लहंगा था मैंने मैक्सी बनाई, लेकिन इसकी बहुत ही कोई अमेजिंग लगता है ये दुपट्टा। किसी भी आप प्लेन ड्रेस के साथ ले सकते हो। उसके बाद आते हैं जी थर्ड ड्रेस के ऊपर। तो जी महानूर ने क्या वेयर किया था, महानूर ने वेयर किया था ये। इसकी खैर आयरन नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं इसको जो है पिक्चर जो है मैंने इसे क्लिक की है, निकाला है, तो थोड़ी सी आयरन नहीं हुई इसके ऊपर। ये था जी शॉर्ट पैपलम जो मैंने स्टिच किया था सिल्क फैब्रिक के ऊपर, अम्ब्रेला स्लीव्स के साथ या बेल बॉटम स्लीव्स आप बोल सकते हो। ये महानूर ने वेयर किया था। नेक पे इसके मैंने लगा दी थी वो चली हुई थी लेस, ट्राइंगल लेस जो बोलते हैं। और ये था इसके साथ हेवी दुपट्टा, प्लेन शर्ट के साथ प्लेन पैपलम था, प्लेन ही इसके साथ जो था गरारा था। अब आते हैं ज्वेलरी की तरफ। मैंने लिए थे ये, वेयर किए थे ये टॉप्स, उसके साथ ये कलाई में बांधने के लिए ब्रेसलेट, और इसके साथ लिया था ये नॉर्मल सा क्लच, और बस हम हो गए रेडी। अब चलते हैं शादी में, आगे चलिए सफ़र करते हैं। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को अपनी बातों से पका देती हूँ, तो थोड़ी सी मैं कोई म्यूज़िक ऐड कर दूँ ताकि आप लोग भी मेरा व्लॉग जो है वो इन्जॉय करें। तो इन्जॉय कीजिए। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी आफरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि the
दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। अब हो गया है डिनर का टाइम। तो ये था डिनर, इसमें था चिकन लॉलीपॉप, चिकन टिक्का और उसके साथ था बहुत ज़बरदस्त जो आइटम था ये था मेमनी पुलाव था, और इसके साथ थी मटन कढ़ाई जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई थी। और फिर आ गया था फ्रूट कॉकटेल मीठे में, उसके बाद थी आइसक्रीम। आइसक्रीम में तीन फ्लेवर्स जो थे वो अवेलेबल थे, मुझे जो मिला वो मैंने खा लिया, ओरियो आइसक्रीम थी कोई, और उसके बाद चाय भी थी जो हमने वो भी मैंने पी, और हमने भी खैर क्योंकि फ्री की चीज़ें नहीं छोड़ी जाती और शादी में तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद आ जाती है हमारी नन्ही प्यारी सी परी, और उसके बाद आ गए थे जी मेरे भाई साहब जिनके साथ मैं शादी में गई थी क्योंकि हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, और ये आ गए थे चलो जी चलो खाना हो गया है घर चलें, तो हम आ गए घर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।